So recently I took a bike trip to this beautiful place known as Sikkim. So come join me and be the witness of this beauty. गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं एंड प्रेजेंटली आई एम इन थांगू वैली। टेम्परेचर इज अराउंड -4 डिग्री सेल्सियस एंड सब कुछ जमा हुआ है। वेट, क्या आप लोगों को भी यही प्रतीत हो रहा है कि हम समय में थोड़ा आ गए हैं? लास्ट वीडियो में तो हम लाचेन में थे ना, लगता है समय का पहिया थोड़ा पीछे घुमाना पड़ेगा। हाँ, अब सही है। गुड मॉर्निंग गाइज, माई नेम इज सैम, यू आर वॉचिंग एकॉस्टिक ट्रैवलर। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आई जस्ट स्टार्टेड माई ट्रिप फॉर लाचेन। कल रात को मैं 7 बजे के आसपास लाचेन पहुंचा था। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम था, तो मैं जब सिलीगुड़ी से स्टार्ट किया था तो टेम्परेचर इतना कम नहीं था। यहाँ आते आते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आते टाइम काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था। लाचेन ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है। यू कैन गेट होटल ईजिली। होटल का जो प्राइस है अराउंड 800 से शुरू हो जाता है। 800 से जैसी आपकी इच्छा है आप वैसा बुक कर सकते हो। तो प्लेस में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है नहीं, लेकिन प्लेस इटसेल्फ अ ब्यूटी। तो आपको टाइम मिले तो लाचेन टाउन को एक्सप्लोर कर लेना, और नहीं करना हो तो भी कोई बात नहीं है। तो पहले मैं आपको आज का सफ़रनामा बता देता हूँ। तो मैं लाचेन से स्टार्ट कर रहे हैं गुरुडोंगमा लेक के लिए। तो जो रास्ता है अराउंड 66 किलोमीटर है, और उसके बाद मैं शाम को वापस आऊँगा लाचेन। लाचेन में लंच करेंगे, फिर लाचेन से हम निकलेंगे लाचुंग बाया चोंगथांग। तो जो आज का जो टोटल सफ़र है वो पड़ जाएगा अराउंड 180 किलोमीटर। और जैसा कि हमने प्लान किया है और जो रोड कंडीशन है उसको देखते हुए हमें समय लग जाएगा 14 to 16 आवर्स। तो काफ़ी ज़्यादा लंबा राइड आज हो जाएगा, क्योंकि जो रास्ता है लेक तक का वो बिल्कुल ऑफ रोड टाइप का है। और अभी विंटर है, तो विंटर टाइम में मोस्ट प्रोबली जो रास्ते में हमें जमा हुए बर्फ मिली तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज ऑफ रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बर्फ एक प्रॉब्लम हो सकती है। और ऐसे ग्रेवल टाइप का रोड है तो फिर टाइम तो काफ़ी लगेगा ट्रैवल करने में। हम लेकिन ट्राई करेंगे कि हम टाइमली एंड सेफली कवर कर लें। तो मैं आपको सबसे पहले लेक के बारे में बता देता हूँ। सो गुरुडोंगमा लेक इज़ द वन ऑफ द हाईएस्ट लेक इन इंडिया और इन एशिया। हाइट ऑफ द लेक इज़ अराउंड 17,800 फीट, एंड ड्यू टू इट्स हाइट जो टेम्परेचर है वहाँ का बहुत कम हो जाता है। सर्दियों में -25 तक टेम्परेचर जाता है, और इतने लो टेम्परेचर की वजह से जो हमारी लेक है वो जम जाती है पूरी की पूरी सर्दियों में, और जो कि मई या अप्रैल तक रहती है कम्प्लीटली फ्रोजन। तो हाई एल्टीट्यूड की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत कम है, तो जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में तो वो लोग प्रिपेयर होके जाना। एंड सोलो राइडर्स, माय फेवरेट वंस, आपके लिए एडवाइस है कि विंटर टाइम पे सोलो राइड मत करो, क्योंकि सॉलिड आइस है तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाइक गिर जाती है बार बार, उठाओगे लग जाएगी। तो उससे अच्छा ग्रुप में ट्रैवल करो विंटर टाइम पे। विंटर टाइम पे तो मैं बाइक ट्रिप एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श सिचुएशन रहती है यार, टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है तो राइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमेशा अगर प्लान कर रहे हो तो समर टाइम में करो, इन्जॉय करते करते जाओ। एंड लेकिन फिर भी अगर करना है, ज़्यादा पंगे लेने की आदत है, तो विंटर में जाओ। और जो लेक है ये पूरी तरह से नो मैन्स लैंड है, यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा, ओनली इंडियन आर्मी के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा। पता नहीं कैसे रहते हैं यार वो लोग, -25, सीरियसली बहुत ज़्यादा ठंड होती है सच में। मतलब तो थोड़ी देर में हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन वो लोग पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि अगर लगने होते हैं तो अच्छे से लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो गया। कल रात को मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा था और हार्ड डिस्क होगी करप्ट, तो जितने भी सारी वीडियो थी लेक की वो सब डिलीट हो गई। अभी मेरे पास कुछ ही वीडियो बची है, शायद आप लोगों की दुआएं हैं कि कुछ तो बच गया है। तो पहले मैंने सोचा था कि ये पार्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों का प्यार देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेन मकसद इन्फॉर्मेशन देना है। तो ये जो वीडियो है मैंने अगले दिन शूट किया है, जस्ट आप लोगों को आइडिया देने के लिए कि किस तरह का रोड हो सकता है और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। जो रोड है वो रोड का कंडीशन कुछ ऐसा ही रहेगा, ग्रेवल टाइप का रोड रहेगा, और अगर बर्फ है तो काफ़ी स्लिपरी हो जाता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो उस तरह से, क्योंकि काफ़ी मतलब बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट टाइप की राइड होने वाली है, और आपको कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे, सुंदर है ना। और कुछ इस तरह की जगहों से आपको गुजर के जाना पड़ेगा।
तो वेल गाइस यही है, और अगर आप निकल रहे हो तो सुबह जल्दी निकलो, लाचिन से अराउंड 5 बजे के आसपास निकल जाओगे तो ऊपर तक जो चेक पोस्ट है वहाँ तक पहुँच जाओगे। चेक पोस्ट के बाद जो 10 बजे के बाद एंटर नहीं करने देता है, तो आप लोग उसी तरह से प्लान करो और आप लोग जस्ट ऐसे टच करके थोड़ी जाओगे, अभी आ रहे हो घूमने के लिए तो थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, तो उसी तरह से आप अपना टाइम मैनेज करके आओ और इन्जॉय करो। इधर तो फाइनली 4 घंटे के दुख भरे सफ़र के बाद हम फाइनली गुड़ोमा लेक पहुंच चुके हैं, और हाइट इज़ अराउंड 17,800 फीट। यहाँ पे बहुत बुरी हालत है, 4 घंटे लग गए थे, रोड्स तो जज मत करना यार, वो इतना हाइट था ना तो ऑक्सीजन कम थी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, और 1 घंटे से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी तो कुछ ऐसी शक्ल बन जाती है। वैसे तो मैं बहुत खुश था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोलूँ। पूछो मत, रोड्स तो है ही नहीं, इतने बुरी हालत हुआ रास्ते में, पानी जम गया हर जगह पे। तो रास्ता तो था अराउंड 66 किलोमीटर, लेकिन हमें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि जो रोड्स हैं उसमें पानी जम गया, और पानी कैसा जम गया, जैसा फ्रिज में पानी होता है ना वैसा, उसमें बाइक नहीं चला सकते हो, स्कीइंग कर सकते हो, तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पहुँचे हैं फाइनली। लेकिन मेरी हालत और मेरी बाइक की हालत बहुत ख़राब है, ऑक्सीजन बहुत कम है यहाँ पे, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, 1 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ बाइक स्टार्ट करने का, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, टेम्परेचर है -14 के अराउंड। हाँ तो आप अभी नज़ारे देख लो फिर, ये कैसे नज़ारे हैं कैप्चर किए हैं। वीडियो छोड़ यार, इधर बाइक फंस गई है, निकल नहीं रही, और ये फिसल रही, गिर गया। माय गॉड, ये इतना अमेजिंग व्यू है यार, मैं जन्नत में आ गया हूँ क्या। तो गाइस, तो मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, तो आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है। थैंक यू गाइस, आपने इतने ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे, मैं और ज़्यादा ट्राई करूँगा कि अच्छा से अच्छा से कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ आपको। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन और या कुछ भी आप ऐड करना चाहते हो तो आई एम हैप्पी टू हियर इट, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल दैट पीस, बाय बाय, सब्सक्राइब इट एंड जो भी आप लोगों से लगे, बाय बाय।